खबर बांदा जनपद से है, जहां बाबीरू तहसील क्षेत्र के टोला कला ग्राम पंचायत के महिला ग्राम पंचायत सदस्य के द्वारा गौशाला में भूख और ठंड से मृत हो रहे गौवंश की शिकायत को लेकर उप जिलाधिकारी बाबीरू को ज्ञापन देकर कार्रवाई किए जाने की मांग किया गया है। बाबीरू तहसील पर ग्राम पंचायत टोला कला की ग्राम पंचायत सदस्य गोमती पत्नी अयोध्या प्रसाद ने पहुंचकर बाबीरू उप जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देते हुए बताया कि मेरे ग्राम पंचायत में स्थायी गौशाला में अव्यवस्था का भंडार लगा हुआ है। जानवरों के लिए भूसा की एक भी व्यवस्था नहीं है। दो दिन में पैराली डाला जाता है और मौके में दो तीन छास भूसा भरा रहता है। वहीं ठंड और भूख से गौवंश की मौतें हो रही हैं, जिससे ग्राम प्रधान पुत्र के द्वारा ट्रैक्टर में पीछे रस्सी से बांध कर घसीट कर जंगल में फेंकवा देते हैं, जिसमें कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। गौशाला में साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। ठंड से बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया। अगर मैं मौके पर गौशाला पर जाती हूँ तो प्रधान पुत्र व प्रधान पति व प्रधान के साथ कुछ दबंग गुर्गे गौशाला के आसपास रहते हैं, जो देखते ही गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते रहते हैं, जिससे मैंने मंगलवार को उपजिलाधिकारी से शिकायत किया है। साथ ही मुख्यमंत्री, मंत्री, पंचायत राज विभाग, मंडलायुक्त चित्रकूट धाम बांदा, जिलाधिकारी बांदा, मुख्य विकास अधिकारी बांदा को भी ज्ञापन रजिस्ट्री के माध्यम से भेजा है। आपका गोमती कहाँ रहती है? वाला क्या हुआ है? आज यहाँ अधिकारी के यहाँ आए थे। अधिकारी के यहाँ आए कि जो गौशाला है तो गुआ गोरू मारा थी, तो यही के खातिर आए हैं। अच्छा, क्या वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है? क्या व्यवस्था है? तो सारा भूसा है, जानवर मारा थी, ट्रैक्टर में मिचका थी, घसीट घसीट अपने ट्रैक्टर में मानो जी यादव जब कहें तो धमकी दिए थी। अच्छा, आपने इसकी शिकायत किया था क्या? हाँ, शिकायत किए थे। तो क्या लाला यादव कहते कि बीड़िया बनाते, हम किसी के पास भेजो नहीं बीड़िया, धमकी दे थी कि जान से मारेंगे। टोला कला क्या हुआ? आज यहाँ तहसील आए थे, कागज देने आए थे एसडीएम साहब को। क्या दिक्कत है? दिक्कत वही है, ट्रैक्टर में गौशाला जो गोरु मरता है हाँ, तो वही फेंकता है। वीडियो बनाया हमने हाँ, कह रहा है कि मेरे गौशाला की है ही नहीं है हाँ, और अभद्र भाषा की जो हर बात करता है। तो इसकी शिकायत आपने किया था कहीं? जी। तो क्या हुआ उसमें? उसमें कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ नहीं। तो आज कहाँ आए हैं? आज आज एसडीएम साहब के पास आए। अच्छा, अब दो तीन सांड घूमते हैं, बीघा दो बीघा हमारे पास खेत है बगल की गौशाला से, वो भी खाया जा रहा है। उसमें जो कहा गया तो कह देता है कि जो दिखाई पड़े करो।